भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है, 27 FIR दर्ज कराया गया है, इसमें 94 लोग जो है इन्वॉल्व हैं और अभी भी रिपोर्ट कुछ आने की संभावना है, लोग जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे जांच पूरा हो रहा है कार्रवाई पूरी की जाएगी। जांच अब अंतिम, अभी तक तो जो प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई दे रहे थे उन सभी के खिलाफ जाँच पूरी हो चुकी है, लेकिन उस लिस्ट में एक बड़ी लिस्ट है जिसमें कि प्रत्येक का राशन कार्ड पर अलग अलग आधार से ट्रांजेक्शन हुआ है, चूँकि सूची में प्राप्त हुए तो हम उसका भी लिखित रिपोर्ट अपने जो टीम है उससे चाह रहे हैं तो वो लोग देंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि जितने के मतलब जितनी दुकानें और जितने आधार कार्ड प्रथम दृष्टया हमारे पास संदिग्ध थे और जिनके ऊपर आरोप बन रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। नहीं, FIR तो सही हुई है, नाजायज नहीं हुआ है क्योंकि मशीन उनके पास थी और मशीन से ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है और एक ही आधार पर कई ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है तो उससे दोष से वंचित नहीं हो सकते हैं, वो तो हैं उसमें जो है उनका दोष है और इस आधार पर किया गया है, मांग करना उनका अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र है और जांच फर्दर टीम भी कर रही है, पुलिस भी करेगी, अगर वो निर्दोष होंगे तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। नहीं, उन दुकानों को संबद्ध किया जा रहा है चूँकि ये लोग स्वयं में जिनका जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है वो FIR दर्ज होने से पहले उनका उठान वितरण का उठान का तिथि था लेकिन उन्होंने माल नहीं उठाया और अब FIR उनके विरुद्ध हो गया है तो उन दुकानों को नज़दीक की दुकानों पर जो है अटैच किया जा रहा है और जो संबद्ध विक्रेता है वो माल उठाएगा और वो वितरण करेगा। अब देखिए, अधिकारी संलिप्त है तो कोटेदार, कोई कोटेदार तो मुझसे ये कहने नहीं आया कि इसमें किस अधिकारी की और किस स्तर की और कैसे संलिप्तता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जांच चल रही है और सरकार ने इस जांच को इसी वजह से कि ये एक प्रकार का अलग किस्म का जो है अपराध है और इसमें साइबर क्राइम हुआ कि इसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत से हुआ, इसकी जांच के लिए अलग से टीमें गठित की गई हैं, STF वो थर्ड एजेंसी है, विश्वसनीय एजेंसी है, वो भी जांच करेगी और अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर या जो भी अधिकारी है जिसके अंडर में काम मतलब जिसको राशन कार्ड आधार कार्ड फीड कराने का काम जिसके जिम्मेदारी पर है उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया नहीं पाई जा रही है क्योंकि कोई बयान उसके खिलाफ किसी का भी नहीं आया कि इन्होंने हमारा पासवर्ड या इस तरह का कुछ हो या उस तरह का जांच हो, तो प्रकृति थोड़ा टेक्निकल है इसलिए टेक्निकल व्यक्ति ही इसको बता सकता है कि कैसे ये हुआ है, ये काम हुआ है, एक्सपर्ट ही बता सकता है और इनके विरुद्ध इसलिए हुआ कि इनका प्रथम दृष्टया इनके इनका नाम था कि इनको इन्होंने ही दिया राशन और एक ही आधार पर कैसे 50 लोगों को दे दिया, ठीक है, अब वो गलती कैसे हुआ, 50 लोगों का फीड कैसे हुआ, ये अलग इशू है, इसकी भी जांच की जा रही है और तकनीकी विशेषज्ञ इसको जांच करेंगे, दोषी जो भी पाया जाएगा, इंस्पेक्टर होगा, ARO होगा, कोई ऑपरेटर होगा, हैक करके होगा, तो सब पर जो भी दोषी उसमें पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी, ये प्रक्रिया चल रही है। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में हमारे यहाँ ताजगंज और ट्रांस यमुना दो क्षेत्र है जहाँ पर कार्रवाई ज़्यादा हुई है और यहाँ पर ज़्यादा कमियाँ पाई गई हैं, यहाँ के दुकानदार ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, शेष हमारे यहाँ लोहा मंडी और ईदगाह क्षेत्र ऐसा है जिसमें तुलनात्मक रूप से 10 से कम ट्रांजेक्शन पाए गए, 10 का राशन कार्डों पर 10 आधार अलग अलग लगे हुए हैं, फिर भी हम उसमें वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उसमें ऐसे केस नहीं पाए गए कि एक ही आधार से एक से अधिक ट्रांजेक्शन पाए गए जो हमें सूची मिली हुई है, उस सूची के आधार पर, क्योंकि ये सूची हमें NIC से ही प्राप्त हुई है तो उसी सूची के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहाँ से अभी तक फिर भी ऐसे भी दुकानें जहाँ पर 10 से कम हैं और अलग अलग आधार से ट्रांजेक्शन हुआ है, अलग अलग कार्ड भी है, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं, उसमें भी रिपोर्ट चाही गई है और एक दो दिन में रिपोर्ट तो सारे लोग दे देंगे।
आगे निश्चित रूप से रिजल्ट देगी, इन लोगों के खिलाफ हुआ है और जो भी होगा सख्ती से सरकार निपटेगी, पारदर्शी व्यवस्था बनेगी और आगे के लिए ठीक हो जाएगा। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से अगर सिस्टम में कहीं कोई उस तरह का था तो उसको और प्रूव किया, इम्प्रूव किया जाएगा।